हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि वैक्यूम मोटर अगर ख़राब हो जाती है तो उसको कैसे खोला जाएगा और चेक किया जाएगा कि क्या चीज़ ख़राब है इसके अंदर। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले आपको यूनिट खोलना पड़ेगा, ये वाला। इसको खोलने का तरीका ये है कि आप एक पेचकस लेंगे और इस वाली जगह पे लगा के प्लास या पेचकस की मदद से मारेंगे तो ये खुल जाएगा। धीरे धीरे करके सब जगह से मारना है ताकि ये खुले, जहाँ जहाँ खुलता जाए। खोल रहे हैं अभी, खोल गया इसका। अब इस नट को खोलना होगा। नट को खोलने के लिए 13 नंबर का स्पेनर चाहिए होता है। ये देखिए, इसको इसमें डालेंगे और ये पेचकस का जो निशान बना हुआ है इसके ऊपर से स्क्रू ड्राइवर फंसाएंगे और क्लॉक वाइज बंद होता है, एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। खुल गया है, इसको निकालेंगे, इंपेलर को बाहर निकालेंगे और भी लगी हुई चीज़ें निकालेंगे और ये भी साथ में ही निकल गया ठोकने से तो ये निकाल लेंगे बाहर। ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया। अब ये लगा हुआ है इसके अंदर, इसको पेचकस की मदद से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। देख रहे हैं, मैंने इसे खोल लिया है, इसको निकाल लिया बाहर। इसके अंदर जो रबड़ लगी है इसको भी इसी तरीके से बाहर की तरफ वो निकाल लेंगे। बाहर आ गया। इसके अंदर जो पेच लगा है इसको खोलना होता है, पर हम पहले दूसरा खोल लेते हैं। अब इसको स्क्रू ड्राइवर में डाल के से और घुमा के खोलेंगे। ये वाला भी घुमा लेंगे, ये निकल गया, दूसरा भी निकाल लेंगे। इस तरीके से बाहर आ जाएगा। इसके कवर को भी बाहर निकाल लेंगे। कवर कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगा, ऐसे निकालने के लिए इसको पकड़ेंगे, इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये निकल जाएगा बाहर। ये देखिए, इस तरीके से बाहर आ गया। और ये कार्बन ब्रशेस को भी बाहर निकाल लेंगे।
बाहर निकल गए। बाहर हो गए, ये तार वाला निकाल लेंगे बाहर। ये भी अलग हो गया। इसको निकालना है तो आप ऐसे खींच के बाहर निकाल सकते। सारी चीज़ें अलग हो गई हैं और इसे देख के मालूम पड़ रहा है ये तो ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये बेयरिंग ख़राब हो चुकी है, इसको चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे। पहले हम साइड कर देते हैं पेच की मदद से। बाहर निकाल लेंगे, इसको निकालने के लिए इसको उल्टा करेंगे और यहाँ ये लगाएंगे और निकल गया। तो ये देख रहे हैं बेयरिंग इसकी टूट चुकी है, तो इस बेयरिंग को हमें चेंज करना होगा। बेयरिंग चेंज करने के बाद ये मोटर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये वैक्यूम मोटर का सारा सामान है जो खुलने के बाद दिख रहा है आपको। तो ये 608 नंबर का बेयरिंग हम ले आए, अब इसको इसमें लगाएंगे। सबसे पहले इस रबर की गास्केट में इसको ऐसे डाल देंगे अंदर और इसके ग्रूव में हाथों की मदद से अंदर की तरफ पुश कर देंगे जितना अंदर ये चाहता है। ठीक है, अंदर चला गया। इसके बाद इसके लॉक को, ये लॉक है जो, इसको भी इसके अंदर लगा के फिट कर देंगे। के लिए हम किसी चीज़ की मदद लेंगे। ये इससे फिट हो जाएगा पुश करके। फिट होने के बाद इसको इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से और इसके ऊपर की जो फिटिंग है जैसे कि ये कार्बन ब्रश वाला सेट, इसको इस पर फिट कर देंगे। इसके पेचों की साइज़ देख के इसको देख लीजिए, इसको और इसके होल के साइज़ को मिला देंगे ये इस तरीके से। तारों को बाहर निकाल के इसके ऊपर वाली जो आइटम है इसको फिट करेंगे इसके ऊपर। ये लग चुका है। अब इसको पीछे से नट लगाएंगे। तो लगाते हैं पलट, नट को डालेंगे अंदर, दूसरे को भी डाल देंगे। टाइट कर लेंगे 8 mm के गोटी से
दोनों को एक बारी में टाइट नहीं करेंगे, एक एक करके टाइट करेंगे। और पीछे देखते रहेंगे ये फ्री है या नहीं है। जब लगे कि टाइट हो गया प्रॉपर टाइट कर लेंगे। इसको उल्टा रखने के लिए थोड़ी देर के लिए इसके कवर को लगा लेंगे। इसमें इसके अंदर की रबड़ को लगा देंगे वापस। ये रबड़ लगा दी हमने इसके अंदर, दूसरी वाली लगा देंगे। ये दूसरी वाली भी लगा दी। इसके लॉकों को लगा देंगे, जो लॉक निकाले थे लॉक को ठीक कर लेंगे पहले थोड़ा सा। क्या लगा देंगे ठीक कर देंगे तब आके। दूसरे वाले को भी लगा देंगे। देखिए अभी लग चुके हैं। अब इसके ऊपर लगे हुए सामानों को फिट करेंगे। सबसे पहले ये छोटा वाला लगाएंगे, साफ कर लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद इम्पेलर लगाएंगे इसका, ये है। सॉरी, ये वाला लगाएंगे वॉशर। ये लगाएंगे, ये लगाएंगे। इसके बाद अपने कवर को टाइट करेंगे इसमें। ये और फाइनल दूसरा वाला इम्पेलर लगाएंगे इसमें। इसकी वॉशर को इसके ऊपर लगा देंगे और इसका ये जो नट है इसको टाइट कर देंगे क्लॉकवाइज। इसको टाइट करने का तरीका 13 नंबर का स्पैनर लेके अंदर डालेंगे इसमें नट में, और स्क्रू ड्राइवर से ऊपर से पकड़ के और टाइट करेंगे। अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि खुले ना, घुमा के देख लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर वाले कवर को भी इस पे लगा देंगे। देखिए लग गया है इस पे अच्छे से। फिर इसे उल्टा करेंगे, कवर को बाहर निकालेंगे इसके। दूसरी तरफ का भी निकालेंगे। अब इसके कार्बन ब्रश को इस पर लगाएंगे। कार्बन ब्रश, ये रे कार्बन ब्रश को अंदर करके इस तरीके से, ये रे इसके स्क्रूस इस पर टाइट करेंगे। स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर देते हैं। दूसरे भी इसी तरीके से लगा लेंगे और इसको ड्राइवर से इसको भी टाइट कर लेंगे। अच्छे से टाइट कर लेंगे और चेक कर लेंगे एक कोई भी स्क्रू या नट लूज ना हो।
उसके बाद इसके अर्थिंग वाला तार भी लगा देंगे इसमें। अब इसके ऊपर क्या फ़ैन भी लगा देंगे। फ़ैन को ध्यान रखिएगा जो साइड अंदर होती है उस साइड से ऐसे लगाएंगे, ना कि उल्टा, ऐसे नहीं लगाना है। जो साइड अंदर है उस साइड से ही लगाया जाएगा। और ये इसको टाइट करते हैं। ये थोड़ा सा पकड़ लीजिए नीचे से। और ये इसके कानों और इसके कनेक्शन को कर देंगे। देख रहे होंगे आप, ये कानों पर थिम्बल बंद लगेंगे और ये फिट। इसी तरीके से दूसरी तरफ का भी लगा लेंगे। और एक बार गोटी लगा के चेक कर लेंगे कि इंपेलर अच्छे से टाइट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने अंदर इसमें लगा लिया की गोटी को लगा के लगाएंगे और इसको चेक कर लेंगे कि टाइट है। और अब इसके कवर को टाइट इस पे लगा देंगे। ये मोटर लग चुकी है, फिट हो चुकी है। अब इसको चला के चेक करेंगे। इसी प्रकार से आप मोटर को की बेयरिंग चेंज कर सकते हैं और कुछ माइनर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।